नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। लोग लॉस करना पसंद करते हैं, कंसल्टेंसी लेने में उनको तकलीफ होती है। लोग अपने बिजनेस को लेट से ग्रो करना पसंद करते हैं, कंसल्टेंसी लेने में प्रॉब्लम होती है। लोग हर जगह पे प्रोकास्टिनेशन करना पसंद करते हैं, किसी चीज को बाद में कर लेंगे पसंद करते हैं। कोई पहचान वाला फ्री में बता दे और उसके बाद मैं कुछ कर लूं, इसका मतलब उनको कोई सिस्टमेटिक अगर अप्रोच चाहिए तो उसके लिए वो थोड़ा झिझकते हैं। ये कोई कमी नहीं है, ये एक्चुअल में ये कल्चर में आ चुका है। लेकिन इस कल्चर को तोड़ना है, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड होते जा रहा है, मैसेज कर रहे हैं। अगर वहां पर वो 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 वो पे करने में आसानी समझते हैं, लेकिन उनको फीस देना पड़े ये समझने के लिए कि ये वाला काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फिर वो देने के लिए कतराते हैं। उनको लगता है कि लॉस करना ज्यादा अच्छा है। अगर कोई आपको बहला ले, फुसला ले, कोई गलत आइडिया दे दे जो कि फोकट में आइडिया हो, क्योंकि वो करने के बाद में आपका लॉस हो जाएगा, वो काम आप करने के लिए तैयार हो जाते हो। ये आपको नहीं कह रहा हूं, ऐसे सारे लोग जो करते हैं ये उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैं आज सुधार कार्यक्रम में हूं, आप लोगों को ये रीजन बताना चाहता हूं कि कौन से 9 इंपॉर्टेंट कारण है जिस समय आपको लेना चाहिए कंसल्टेंसी। पहला पॉइंट ये कि फ्यूचर प्लान को फुलफिल करने के लिए कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर चीज हमको आता ऐसा जरूरी नहीं है। एक व्यापार के 5 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, 5 फ्रंट हो सकता है। मुझे सोशल मीडिया भी चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है अपने बिजनेस के लिए। मैं जिस चीज का एक्सपर्ट हूं वो वाले चीज को छोड़ के बाकी सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी। और मैं एक बात और बता दूं, मैं जिसमें एक्सपर्ट होऊंगा भी ना, उसके लिए भी मुझे कोई ना कोई एग्जीक्यूशन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, मैं अपना खुद का नौकरी करने के लिए नहीं बैठा हूं। तो फ्यूचर प्लान फुलफिल करना है तो कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह कि अगर कोई स्टार्टअप है और या फिर छोटा बिजनेस है, तो फिर उनको बड़ा टैलेंट छोटे से चीज के लिए हमेशा के लिए हायर नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं बना सकते। उनको स्पेशल जरूरतों के लिए कंसल्टेंसी लेने की जरूरत पड़ती है और लेना चाहिए। जिस पर्टिकुलर चीज में आप अटक जाते हो, जिसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत है, वहां पे कंसल्टेशन जरूर करिएगा। तीसरी बात यह कि हम जब देखते रहते हैं कि व्यापार तो ठीक चल रहा है लेकिन उतना बढ़ नहीं रहा है, और मैंने अपने दिमाग से जितना मेरा दिमाग था मैंने सारा लगा लिया, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? तब ये तीसरा पॉइंट आता है, जब बढ़ भी नहीं रहे और हमको समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उस समय हमको एक आउटसाइडर चाहिए जो कि एक अलग नजरिए से सोचे, अलग तरीके से सोचे, और वो निकाले कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में हो रही है जिसको मैं ध्यान नहीं दे रहा था मेरे बिजनेस में, मेरे प्रोफेशन में। तो ये तीसरा पॉइंट है कि आउटसाइडर चाहिए उनके नए नजरिए से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए। चौथी बात यह है कि हमने जो जो एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, वो एम्प्लॉयज अपना अपना काम करते हैं, उनको अगर कोई भी दूसरा काम देंगे तो उनका जो प्रेजेंट काम है जो वो कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग कई बार कंसल्टेंट लोगों को हायर करते हैं कि जो दूसरे काम है, जो नए काम है, वो हमारे किसी एम्प्लॉय को ना दिया जाए, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को बुलाया जाए और वो उस काम को करे। पांचवा इंपॉर्टेंट कारण यह कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय से पूछेंगे ना, मैं ऐसा सोच रहा हूं, आप मालिक हो ना, आप डायरेक्टर हो, आप बोलोगे मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्या ये सही है? कौन से एम्प्लॉय में हिम्मत होगी कि वो ये बता देगा कि आप गलत हो? नहीं होगा ना। इसका मतलब अनबायस्ड आइडियाज नहीं देगा, बायस्ड रहेगा, उसको नौकरी का डर रहेगा, उसको लगेगा कि आज तो सर कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन फ्यूचर में मुझे इसी बात के लिए हो सकता है नौकरी से निकाला जा सके, कभी मुझे सुनाया जा सके, मेरा प्रमोशन रुक सकता है, तो बायस्ड हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट है तो उसका फोकस क्लियर रहता है, उसको उसका टारगेट बताया जाता है, वो टारगेट पूरा करने के लिए वो डायरेक्ट सजेशन देगा बिना किसी बायस के, तो अनबायस्ड सजेशन मिलेगा कंसल्टेंट से। इसीलिए कंसल्टेंट हमेशा रखने की जरूरत पड़ेगी। छठवां इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कंसल्टेंट हूं, मुझे एक इंटरनल ऑडिटर भी एक कंपनी ने बना दिया, उनका अकाउंटेंट सारा एंट्री कर रहा है, उनका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वाउचर बन रहा है, हर डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर सब चीज वो कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइडर कंसल्टेंट में बन गया, मैं वहां पर इंटरनल ऑडिटर बन गया, मैं जाकर उनकी सारी चीजों को फिर से चेक कर रहा हूं। इसका मतलब डबल चेक या फिर वेरिफिकेशन के लिए भी कंसल्टेंट की जरूरत रहती है कि उनका एम्प्लॉयज कहीं पर भी गलती तो नहीं कर रहा है अनजाने में या फिर जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमको टाइम और मनी सेव करना है। अगर हम लोग किसी को ट्रेनिंग देने लगेंगे एम्प्लॉय को, तो उसको टाइम लगेगा सीखने में, समझने में, एक्सपर्ट होने में, या फिर मैं खुद सीखने लगूं तो मैं कितना सारा चीज सीखूंगा, तो फिर हम लोग को टाइम, एफर्ट और मनी सेव करना है। तो जिसको डायरेक्टली पता है उसको बुलाओ, सीधा रिजल्ट पे आओ, आप ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं, पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाकर बहुत समय तक रुकने की जरूरत नहीं है, उसके बाद उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंसी का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कंसल्टेंट को बुलाइए, समय पैसा सारा तुरंत बचाइए और रिजल्ट की तरफ जाइए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, रॉ मटेरियल होगा, मैन पावर होगा, पावर होगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि हमारा रिसोर्सेस माना जाता है, नॉलेज भी एक रिसोर्सेस है।
तो ये सारे रिसोर्सेस को सही तरीके से मैनेज करना मुझे आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट को बुला सकता हूँ ताकि वो आए और जो जो कमियां वो निकाले, बिजनेस कंसल्टेंट को बुला सकता हूँ, बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट को बुला सकता हूँ, तो वो आए और आकर वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करे। आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बनाए और प्लान बनाकर फिर इम्प्लीमेंट करे और वो सारी कमियों को दूर करे और बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाए। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैलिडेशन। क्या वर्ड बोला मैंने? वैलिडेशन। इसका मतलब ये कि हमने एज ए ओनर हमने बहुत सारी चीजों को सोचा, हमने किसी स्पेशल प्लान या किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पूरा ध्यान लगाकर सोचा और मुझे लगा कि मैंने एकदम जबरदस्त प्रोजेक्ट बना लिया, जबरदस्त डिसीजन मैं लेने वाला हूं, उस डिसीजन में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, अब ये मैं डायरेक्टली इस पे लेने से अच्छा, तुरंत एक्शन लेने से अच्छा है कि मैं एक्सपर्ट को बुलाऊं और मैं उनको बोलूं कि बॉस ये चीजें हमने सोची हैं और इसके बैकग्राउंड में ये वर्क है, ये हमारा सोच था, ये रिजल्ट हम चाहते हैं, ये प्रोसेस हम करेंगे, इसमें इतना पैसा लगाएंगे, क्या ये करना उचित होगा या फिर किस जगह पे उचित नहीं है, किस जगह सही है, किस जगह गलत है, कहां सुधार की जरूरत है इस प्लान में, वो सारी चीजों के लिए आप कंसल्टेंट को बुला सकते हो। और पैसा फंसाने से पहले, समय लगाने से पहले और कोई भी अनहोनी होने से पहले अगर आप कंसल्टेंट को यूज करोगे तो मेरी गारंटी है कि 99% टाइम आप रिस्क को बचा लेते हो और आप हमेशा जीत की तरफ बढ़ते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कंसल्टेंट को हायर करना, ये सबके दम की बात नहीं है, छोटे मोटे लोग जो कि सोच से छोटे हैं, पैसे की बात नहीं बता रहा हूं, जो सोच से छोटे हैं वो कंसल्टेंट को यूज नहीं करते हैं। जितने लोग सोच से अमीर है और वो अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनना, अच्छा पैसा कमाना और स्टेटस बनाना, जिनको लगता है, उनको लगता है कि समय इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का डिसीजन इंपॉर्टेंट है, डिसीजन में लगने वाला पैसा इंपॉर्टेंट है और इसके कारण कंसल्टेंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी मदद मुझसे चाहिए, हमारी टीम से चाहिए, तो आप तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन शानदार, जबरदस्त और शुभ हो।